Okay, let us see the third section of question 2. Again, we have to find the roots of the given quadratic equation by applying the quadratic formula. ठीक है, उसके लिए क्या करना होता था, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते थे. ठीक है, और कंडीशन मैंने बोला है ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा पाएंगे. ठीक है, देखिए, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए एज 4, बी एज 4√3 एंड सी एज 3. नाउ वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी, बी कितना है 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 एंड सी इज 3 होल अपॉन में आएगा 2 इंटू ए आपका इस बार है 4, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4√3 का स्क्वायर, जब आप करेंगे 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, फिर से 48 आ गया, ओवर 4 2 जा 8, विच गिव्स माइनस 4√3 अपॉन 8 प्लस माइनस 0, एक्चुअली पूरा होल अपॉन है. ठीक है, ये तो 0 हो गया. आपको मालूम है ये डिस्क्रिमिनेंट ही होता था, रूट के अंदर जो लिखते हैं हम वो डिस्क्रिमिनेंट होता है. डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है या ग्रेटर देन 0 है तब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो अभी 0 आया, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. लेस देन 0 होता, कोई नेगेटिव क्वांटिटी आती, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते और हम आगे सॉल्व भी नहीं करते फिर. ठीक है, नाउ विच गिव्स एक्स इज माइनस 4√3 अपॉन 8 और एक्स इज माइनस 4√3 अपॉन 8, दोनों रूट सेम आएंगे. आप देख सकते हैं मैं माइनस 4√3 में 0 ऐड करूं तो भी न्यूमरेटर वही होगा, सब्ट्रैक्ट करो 0 तो भी न्यूमरेटर वही होगा. ठीक है, फाइनल जब हम लिखेंगे ना, तो सिंस ये 4 और 8 कैंसिल होंगे, 4 वन जा एंड 4 टू जा, तो माइनस रूट 3 अपॉन 2 होगा और एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर है जिसमें आपको छोड़ना चाहिए माइनस रूट 3 अपॉन 2. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. एक लास्ट सेक्शन बच्चा, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी'd लव फॉर यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल.